ये देखो हमारे घर में एक क्या कारनामा हो गया है। यहाँ कूलर पे रखे हुए थे ये मिट्टी के बर्तन, तो सारे धड़ाम से नीचे गिरे। कुछ बचा है? यही अकेला बचा है। यही बचा है, ये देखो बस यही अकेला बचा है। पानी, चिड़ियाओं को पानी पीने के लिए काम आ जाएगा। हाँ, और बाकी सब टूट गए। ये इसमें चाय बन जाएगी एक बार। चाय बनाएंगे इसमें हम। ये ऐसे हाथ से ही टूट जा रहे हैं ना? नहीं, वो हाथ से टूट गया। ये देखो हाथ से टूट गया। तो ऐसे ही होते हैं पतला टूटने के बाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है जन्माष्टमी, तो आप सबको जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और अभी टाइम हो रहा है शाम का, तो मुझे बनाना है पूजा का सामान, मतलब जो पूजा में लगता है ना, पूजा के लिए सामान तैयार करना है और मुझे उसके बाद मंदिर भी तैयार करना है। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो को एंड तक देखना। और आज का वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल का सब्सक्राइब जरूर। रुद्रांश को भी रेडी करना है मुझे, क्योंकि रुद्रांश अभी बहुत एक्साइटेड है, उसको बनना है कान्हा जी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बने रहिए एंड तक। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। मोर पंख आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे ये जो जगह दिख रही है ना, टेबल दिख रही है, यहाँ पे हमको कान्हा जी का झूला लगाना है। और ये रखे हुए हैं यहाँ पे सारे फ्लावर। तो अभी हम यहाँ पे इसको डेकोरेट करने वाले हैं। ये देखिए हमारे बाल गोपाल रेडी हो गए हैं, रुद्रांश कुमारी रेडी कर दिया है, मंदिर भी हमारा ये देखिए पूरा, हाँ मंदिर भी हमने पूरा अच्छे से लगा दिया है। तो मंदिर डेकोरेट हो गया है, ये देखिए फ्लावर से अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। रुद्रांश भी रेडी हो गया, मंदिर भी रेडी हो गया। कान्हा जी के लिए हम झूला लेके आए थे, ये देखो कल। हाँ रखो 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 रखो, टूट जाएगा, अभी कान्हा जी को झुलाएंगे। तो बस अभी पूजा ही करनी है। और अभी मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने खाने का भी सामान बना लिया है। तो अभी ना मैंने यहाँ पे पूजा का सामान ही बना लिया है। लड्डू बन गए हैं, यहाँ पे पंजीरी बन गई है और ये खीर बनाई हुई है, तो खीर बन गई है। और ये यहाँ पे मुझे ना दही में मिक्स करना है, तो ये पंचामृत बन जाएगा। और ये चीनी इसमें मिलाने के लिए रखी हुई है। तो यहाँ पे ये वाला सामान भी रेडी है, बाकी सब कुछ रेडी। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, कान्हा जी हमारे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। माखन नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स पीना है। अच्छा, मुझे अभी बनाना है पूजा के लिए जो छोटी छोटी पूड़ियाँ रहती हैं ना, अठवाई बना ली हैं। तो अभी मैंने आटा लगा लिया है और मुझे आटे की बनानी है पूजा के लिए अठवाई। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, आटा मार लिया है और यहाँ पे मैंने आलू की सब्जी छौंक दी है, तो सूखे आलू ही बनेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने आलू की सब्जी बना ली है। तो बस मैं पूड़ियाँ सेक लेती हूँ, फिर उसके बाद हम पूजा करेंगे। अभी यहाँ पे ना मैंने पूजा के लिए अठवाई बनाई हुई थी, उसके साथ ही ना मैंने पूड़ियाँ भी बना ली हैं, तो खाने का भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अभी पंचामृत तैयार कर रही हूँ, जिससे हमें कान्हा जी को स्नान करवाना है। तो यहाँ पे ये देखिए पूजा भी इन्होंने स्टार्ट कर दी है, कान्हा जी को स्नान करवा दिया है, न्यू न्यू कपड़े पहना दिए। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना कान्हा जी, एकदम प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए रुद्रांश बिल्कुल पापा की कॉपी कर रहा है, जैसे पापा करेंगे वैसे मैं भी पूजा करूंगा। तो यहाँ पे पापा बेटे दोनों की पूजा चल रही है। तो अभी ना पूजा हो गई है और अभी मैंने यहाँ पे खाना लगा लिया है। तो ये है रुद्रांश के पापा की प्लेट एंड रुद्रांश की। तो यहाँ पे खीर, आलू की सब्जी और पूरी है, तो मैं उन दोनों को दे देती हूँ, वो खा लेते हैं क्योंकि काफी लेट हो गए हैं। और ये देखिए पूजा हो गई है, तो कैसा लग रहा है? तो चलिए पहले उनको दे के आती हूँ और मैं भी चेंज करके ही खाऊंगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं और रात में इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना, तो उसके बाद सो गए थे खाने के बाद, चेंज वेंज करने के बाद। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के बज रहे हैं 9 और यहाँ पर मैंने बना लिया है पोहा नाश्ते में। तो ये देखिए यम्मी यम्मी का पोहा रेडी है और यहाँ पर बन रही है चाय, तो चाय पोहा है आज नाश्ते में। और अभी है रुद्रांश की क्लास और ये देखो ब्रश लेके घूम रहे हैं, वो देखो ब्रश कर रहे हैं। रुद्रांश को उठाया है क्योंकि लेट हो गया था रात में, तो वो भी उठ गया है। मैं काफ़ी लेट हो गया था इसलिए ब्लॉग का एंड भी नहीं हो पाया। तो अभी सब लोग उठ गए हैं और रुद्रांश भी उठ गया है, उसकी है 10 बजे क्लास, तो फटाफट से नाश्ता करवाती हूँ उसकी, फिर उसको क्लास ज्वाइन करवाऊँगी मैं। कल अष्टमी वाले दिन तो यहाँ पर बारिश नहीं हुई, तो आज बारिश हो रही है। और जब मैंने सुबह उठ के देखा ना, सब जगह पानी पानी हो रहा था, तो बहुत तेज़ वाली बारिश हो गई है। आज के इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, और आज का वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में।
में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।